गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन दिस वीडियो क्लास फॉर क्लास 8 मैथमेटिक्स चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.4। एक्सरसाइज 3.3 में आपने क्या पढ़ा था? पैरेललोग्राम के बारे में। अब हम पढ़ेंगे और जो टाइप्स हैं क्वाड्रिलेटर की, वे सारी। आपको इस एक्सरसाइज से करने से पहले आपको जो क्वाड्रिलेटर के टाइप्स बताए गए हैं, उनकी प्रॉपर्टी बताई गई हैं, आप उन सभी को पढ़ोगे। तो क्या है आपके पास? फर्स्ट सम में स्ट्रेट, वेदर, ट्रू और फॉल्स। हमें बताने हैं क्या ये ट्रू और फॉल्स हैं। अगर आपको सारी डेफिनेशन क्लियर होएगी तभी आप इन समों को बता पाओगे, अदरवाइज़ यहाँ पे कहीं पे नोट दे दिया, कुछ और दे दिया तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसलिए रट्टा मत लगाइए, आप उन प्रॉपर्टी को लर्न करिए और फिर देखिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है आपसे सेम यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे पेपर में, आपसे पलट के भी पूछे जा सकते हैं। तो देखिए, All rectangles are square। अब देखिए, आपके माइंड में रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी आ गई होगी। रेक्टेंगल में क्या होता है आपके पास? शेप ये होती है, अपोजिट साइड्स क्या होती हैं? इक्वल। और स्केयर में क्या होता है आपके पास? ऑल साइड्स इक्वल। अब देखिए, सारे के सारे रेक्टेंगल्स क्या स्केयर हो सकते हैं? स्केयर में तो क्या है आपके पास? चारों साइड्स इक्वल है। रेक्टेंगल में क्या है? फोर साइड्स इक्वल। तो यानी रेक्टेंगल से स्केयर बना सकते हो आप? नहीं। लेकिन सारे के सारे स्केयर क्या होते हैं? रेक्टेंगल होएंगे। ये तो नौ है और ये क्या है? यस, अगर स्केयर पूछा जाए तो स्केयर क्या होएंगे आपके पास? ये आपके पास क्या है? रेक्टेंगल। और ये क्या है आपके पास? स्केयर। तो सारे के सारे जो स्केयर हैं वो रेक्टेंगल होंगे, क्योंकि स्केयर में देखिए, मान लीजिए ये 4 सेंटीमीटर है, ये भी 4 और ये भी 4। अब देखिए, रेक्टेंगल के लिए क्या होता है? हर एक एंगल 90, तो ये है हर एक एंगल 90। और क्या होता है? अपोजिट साइड्स इक्वल, 4 4 के इक्वल है, और ये भी इसके इक्वल है। अब ये आपस में भी इक्वल है, ये तो एक्स्ट्रा कंडीशन है ना हमारे पास। तो ये तो इसकी तो रेक्टेंगल की तो सारी प्रॉपर्टी फिल हो चुकी है। तो क्या हो जाएगा? ऑल स्केयर्स आर रेक्टेंगल, बट ऑल रेक्टेंगल्स आर नॉट अ स्केयर। और आपको एक बताया गया था, आप उससे भी कर सकते हो। पहले क्या था आपके पास? पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम से कौन सी दो टाइप बन गई थी आपके पास? रेक्टेंगल एंड रोम्बस। और रोम्बस और रेक्टेंगल से क्या बना था आपके पास? स्केयर। ये फादर था, ये सन था, और फिर क्या था? स्केयर। तो देखिए, सारे के सारे स्केयर रेक्टेंगल होंगे, सारे के सारे स्केयर रोम्बस होंगे, और सारे के सारे रेक्टेंगल और रोम्बस क्या होंगे? पैरेललोग्राम। तो यहाँ से ऊपर से नीचे टर्म ट्रू नहीं हो सकती, लेकिन ये नीचे से जैसे ही हम ऊपर जा रहे हैं तो ये ट्रू हो सकती हैं। तो क्या है? सारे के सारे स्केयर रेक्टेंगल हो सकते हैं, बट रेक्टेंगल स्केयर नहीं हो सकते। तो यानी क्या आ जाएगा? फॉल्स। समझ में आ गया है? तो देखिए, ऑल रोम्बस आर पैरेललोग्राम। सारे के सारे रोम्बस क्या हैं? पैरेललोग्राम। रोम्बस, रोम्बस में क्या होती है? फोर साइड्स इक्वल। एंड डायगनल्स क्या होते हैं? परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं। अब इसने क्या कहा है? सारे के सारे साइड्स क्या हैं? इक्वल। ठीक है, अब सारे के सारे रोम्बस, यहीं से ही देख लीजिए, रोम्बस पैरेललोग्राम हो सकते हैं, क्योंकि रोम्बस क्या करती है? पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी को होल्ड करती है। तो यानी क्या हो जाएगा? आप लिखोगे ट्रू या फिर यस। ठीक है, तो क्या है? ट्रू, ऑल रोम्बस आर पैरेललोग्राम। आप यही याद कर सकते हो, स्केयर रेक्टेंगल होंगे, स्केयर रोम्बस होंगे, और स्केयर पैरेललोग्राम भी होंगे, और रेक्टेंगल और रोम्बस तो होंगे ही पैरेललोग्राम। तो देखिए, ऑल स्केयर्स आर रोम्बस एंड रेक्टेंगल। जो सारे के सारे स्केयर हैं वो रोम्बस भी होते हैं और क्या होते हैं? रेक्टेंगल भी। तो यानी क्या हो जाएगा? ट्रूथ या ट्रू। ऑल स्केयर्स आर नॉट पैरेललोग्राम। अब इसने क्या कह दिया? नॉट। क्या सारे के सारे स्केयर पैरेललोग्राम नहीं होते? हमने तो क्या पढ़ा है? नीचे से ऊपर तो प्रॉपर्टी सारी होल्ड है, स्केयर के अंदर पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी तो आती ही है आपके पास। क्या तो हमारे पास क्या हो जाएगा? इसने क्या कहा है? नोट। लेकिन ये तो हमारे पास होते हैं। अगर आपके पास ये आ जाए, ऑल स्केयर्स आर पैरेललोग्राम, तब इसका आंसर क्या आएगा? ट्रू। बट यहाँ पे क्या गिवन है? ऑल स्केयर्स आर नॉट पैरेललोग्राम। तो यानी क्या हो जाएगा? फॉल्स।
क्योंकि ये तो पैरेललोग्राम होते हैं। स्क्वेयर्स में चार साइड्स इक्वल होती हैं और ये पैरेलल भी होती हैं, और पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल यानी वो प्रॉपर्टी होल्ड कर रहे हैं और अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं, तो इसके भी हैं। तो आगे देखिए ई में ऑल काइट्स आर रोम्बस, सारी की सारी काइट्स रोम्बस होती है। काइट्स की शेप आपकी लाइक दिस होती है, एडजेसेंट वन पेयर ये इक्वल होता है ना। और रोम्बस में तो हमारे पास क्या होता है, चारों की चारों साइड्स इक्वल होती है, तो क्या ये इसकी चारों साइड्स इक्वल है, तो यह इससे ये क्या हो जाएगा, नो। और लेकिन सारे के सारे रोम्बस क्या होएंगे, काइट होएंगे। समझ में आ गया है, ये आपके पास क्या है रोम्बस और ये आपके पास क्या है काइट। समझ में आ गया, तो सारी की सारी काइट रोम्बस नहीं हो सकती, क्योंकि काइट में तो ये टू साइड्स इक्वल है, ये इक्वल हो या ना हो ये तो नहीं है ना, लेकिन अगर ये इक्वल नहीं है तब भी तो काइट है, तो ये काइट क्या रोम्बस हो सकती है, नहीं हो सकती, बट रोम्बस काइट हो सकती हैं। तो आपके पास क्या हो जाएगा, ये यहाँ से यहाँ तो नो, लेकिन यहाँ से यहाँ क्या हो जाएगा, यस। तो आप देखिए एफ पार्ट, ऑल रोम्बस आर काइट्स, इसी का ही कन्वर्स है, ऑल रोम्बस आर काइट, तो यानी क्या हो जाएगा, ट्रू। समझ में आ गया है। आगे देखिए ऑल पैरेललोग्राम आर ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम में क्या था आपके पास, वन पेयर, एट लीस्ट वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, कम से कम एक पेयर क्या होना चाहिए, पैरेलल। तो ऑल पैरेललोग्राम आर ट्रेपीजियम, अब पैरेललोग्राम में तो क्या है, दोनों के दोनों ही पेयर क्या है, पैरेलल, तो यानी एक तो है ही है, उससे ज़्यादा ही पैरेलल है, हमें तो दो मिल गए, जहाँ हमें क्या कहा था, एक भी होता तब भी चल जाता, लेकिन यहाँ पे तो क्या है, दोनों ही हैं, तो सारे के सारे पैरेललोग्राम क्या होंगे आपके पास, ट्रेपीजियम। तो ये तो क्या होएगा, यस, लेकिन हम ट्रेपीजियम को पैरेललोग्राम नहीं कह सकते, तो यानी क्या हो जाएगा आपका, ट्रू। समझ में आ गया है, ऑल स्क्वेयर्स आर ट्रेपीजियम, अब इसने क्या कहा है, ऑल स्क्वेयर्स आर ट्रेपीजियम, अब हमें पता है स्क्वेयर में क्या होते हैं, हर एक एंगल 90 के, यही होता है ना। अब ट्रेपीजियम के लिए तो हमें क्या चाहिए, पैरेलल साइड्स चाहिए ना। अब देखिए पैरेलल साइड्स होने के लिए एडजेसेंट जो इंटीरियर एंगल होते हैं उनका सम कितना होना चाहिए, 180, तो यहाँ पे ये 90-90 है, तो 90 प्लस 90 180, तो मींस ये पैरेलल हो गया और ये इसके भी पैरेलल हो गया है, तो यहाँ पे भी हमारे क्या मिल गए हैं, टू पेयर मिल गए हैं, तो ऑल स्क्वेयर्स आर ट्रेपीजियम, ट्रू। समझ में आ गया है, ट्रेपीजियम के लिए हमें एक ही पेयर चाहिए होता है, और यहाँ पे भी हमें क्या मिल गए हैं, टू पेयर, तो ऑल पैरेललोग्राम एंड ऑल स्क्वेयर्स आर आल्सो ए ट्रेपीजियम। और आप ये जब भी कर सकते हो अच्छे ढंग से, जब आपको ये सारी डेफिनेशन पता हो, आप उन्हीं प्रॉपर्टियों को दोबारा से रिवाइज करोगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड, इसमें क्या है, आइडेंटिफाई ऑल क्वाड्रिलेटरल डैट हैव, हमें वो सारी क्वाड्रिलेटर आइडेंटिफाई करनी है जिसमें क्या हो, फोर साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ। अब देखिए चारों इक्वल साइड्स किस में होती हैं, कौन कौन सी क्वाड्रिलेटर्स में होती हैं, दो क्वाड्रिलेटर्स होते हैं, या तो किस में होती हैं, स्क्वेयर, उसमें क्या होती है आपके पास चारों साइड्स इक्वल, या किस में होती हैं, रोम्बस, रोम्बस और क्या है आपके पास, स्क्वेयर हैव ए फोर साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ, क्योंकि इसने बस एक यही प्रॉपर्टी कहा है। अभी वैसे तो इनमें डिफरेंस होएगा और भी है तब बनेगी, लेकिन अभी फोर साइड्स इक्वल तो स्क्वेयर में और किस में होती हैं, रोम्बस में। और क्या कहा है, फोर राइट एंगल, तो चारों के चारों एंगल जो क्या हो, राइट एंगल, तो किस में होता है वो आपके पास, चारों के चारों राइट एंगल स्क्वेयर में और रेक्ट एंगल में, चारों एंगल कितने के होते हैं, 90-90 के। तो हमें यही क्वाड्रिलेटर के ही तो टाइप है, ये क्वाड्रिलेटर सी बतानी थी। तो नेक्स्ट में देखिए, एक्सप्लेन हाउ ए स्क्वेयर इज़ ए क्वाड्रिलेटरल, हमें एक्सप्लेन करना है बी एक स्क्वेयर क्वाड्रिलेटरल कैसे है, एक्सप्लेन हाउ ए स्क्वेयर ए। अब देखिए स्क्वेयर में क्या होता है आपके पास, फोर साइड्स होती हैं, और क्या होता है, सारे के सारे 90 के होते हैं। अब स्क्वेयर है, ये क्या है, क्वाड्रिलेटर की ही तो टाइप है आपके पास, क्वाड्रिलेटर्स की और भी तो टाइप है, रोम्बस, स्क्वेयर, ट्रेपीजियम, काइट, पैरेललोग्राम, ये सारे किसकी टाइप्स है, क्वाड्रिलेटर्स की, तो स्क्वेयर तो एक क्वाड्रिलेटर है ये, क्योंकि तो यानी स्क्वेयर इज ए क्वाड्रिलेटरल बिकॉज इट हैज़
फोर साइड्स, क्योंकि इसकी क्या है, फोर साइड्स। क्वाड्रिलेटर वही होता है ना जिसकी क्या हो, एक सिंपल क्लोज्ड कर्व विच हैज फोर साइड्स एंड मेड बाय ओनली लाइन सेगमेंट। आगे सेकंड में ए पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम भी है, स्केयर पैरेललोग्राम होता है क्योंकि स्केयर में अपोजिट साइड्स क्या होगी हैं, पैरेलल। ईच एंगल 90 का है जो आपको अभी बताया गया था, तो एडजेसेंट एंगल भी की सम कितना हो गया, इंटीरियर एंगल का सम 180, तो ये इसके पैरेलल होगी और ये किसके पैरेलल होगी है, तो क्या हो जाएगा, ऑल स्केयर्स आर पैरेललोग्राम बिकॉज इट्स अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। आप इसमें ये करके भी दिखा सकते हो, करके दिखाना चाहो तो भी, इस एंगल का और इस एंगल का सम कितना दिखा दोगे, 180। तो आगे देखिए, एक स्केयर इज ए रोम्बस, रोम्बस भी हो सकता है बिकॉज इसकी साइड्स इक्वल होती हैं और डायगनल्स भी क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। तो ए स्केयर इज ए रोम्बस बिकॉज इट्स साइड्स आर इक्वल एंड डायगनल कहाँ पे करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, एंड डायगनल बाइसेक्ट एट राइट एंगल ईच अदर। तो यानी सारी की सारी प्रॉपर्टी को फुलफिल कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, बाइसेक्ट भी। तो सारे के सारे स्केयर रेक्टेंगल भी हो सकते हैं क्योंकि ये क्या, अपोजिट साइड्स भी क्या होती है, इक्वल होती है। तो आप ये लिख सकते हो, ऑल स्केयर्स आर रेक्टेंगल बिकॉज इट्स अपोजिट साइड्स आर इक्वल, आपको फर्स्ट पार्ट ही बताया गया था, तो आप इसको भी लिख लोगे। आज के लिए इतना ही, आपको बार बार मैं कह रही हूँ वो प्रॉपर्टी को आप ध्यान से लर्न कर लीजिए, अगर आपने वो कर लिए तो आपका चैप्टर 3 कम्प्लीट हो जाएगा। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।